गाइज वेलकम टू एजे कैपिटल ट्रेडिंग अकेडमी। लेट्स स्टार्ट अवर मार्केट एनालिसिस वीडियो। मार्केट एनालिसिस वीडियो करने से पहले हम लोग FIIs और DIIs का डाटा चेक करते हैं। फ्राइडे के सेक्शन में क्या हुआ था तो यहाँ पर देखिए, FIIs ने जो फ्राइडे का सेक्शन था हमारा, सितंबर का लास्ट फ्राइडे था, तो उसमें FIIs ने 9500 करोड़ की बाइंग की थी और 11000 करोड़ की सेलिंग की थी। तो यहाँ पर ह्यूज सेलिंग भी हुई थी और उनका टोट नेट जो बाइंग वैल्यू से ज़्यादा सेलिंग वैल्यू थी तो नेट माइनस में था, 1500 CR नेगेटिव था। लेकिन FIIs ने मार्केट को पूरी तरह से संभाला और 8000 करोड़ की बाइंग की और सेलिंग की 4700 की। FIIs ने ज़्यादा बाइंग करने की वजह से पूरा मार्केट वन साइड हो गया था। लास्ट के फ्राइडे सेक्शन में, फ्राइडे का जो सेक्शन था हम लोग का, उसमें बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर गया था और जो अपना निफ्टी 50 था वो 300 पॉइंट ऊपर गया था। तो इसके बाद हम लोग ग्लोबल मार्केट में क्या है, मंडे को मार्केट कैसा ओपन होगा वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग ने ग्लोबल इंडेक्स ओपन किया है। तो यहाँ पर देखिए, एशियन मार्केट जो HGX निफ्टी हम लोग इंडियन मार्केट फॉलो करता है वो निगेटिव में -100 पॉइंट। सो अपना भी मार्केट 100 पॉइंट मिनिमम गैप डाउन ओपन होने वाला है मंडे को। तो उसके लिए कौन कौन से लेवल मंडे को इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने निफ्टी 50 को ओपन किया है वन डे टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट ने जो फ्राइडे का सेक्शन था वो पूरा बुलिश था हम लोग का। जो हम लोग का जो ए ब्लू कलर का जो लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज है। जो सैटरडे था उसमें मार्केट ने उसको ब्रेक करके नीचे गया था, लेकिन जो फ्राइडे के सेक्शन में जो RBI की पॉलिसी आई थी उस टाइम मार्केट ने उसको वापस ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो अभी मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है 120 पॉइंट्स नीचे। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या मार्केट बिहेव करेगा, कौन सी साइड ऊपर साइड देगा मुँह या नीचे की साइड। लेकिन हम लोग को जो ये वाला जो कैंडल बना है फ्राइडे का, उसका जो हाई पॉइंट है वो 17200 है और जो उसका लो पॉइंट है वो 16750 है। ये दो लेवल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इनकेस ये कोई भी लेवल ब्रेक होता है ऊपर की साइड या नीचे की साइड, डायरेक्टली हम लोग को 100 पॉइंट का मूव मिलने वाला है निफ्टी में। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो 16750 का लेवल है वो ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली मार्केट को नीचे सपोर्ट है। डायरेक्ट जो देखिए बैक साइड में हम लोग चेक करते हैं तो डायरेक्ट देखिए गैप है, उसको डायरेक्ट मार्केट जो लेवल है वो 16600 का है और ऊपर की साइड इनकेस मार्केट ने ब्रेक कर दिया मूव जो 17200 का लेवल है तो हम लोग को डायरेक्ट नेक्स्ट टारगेट है हम लोग का 17300। तो हम लोग अभी इंट्राडे के लिए छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं 15 मिनट पे और अपने लेवल मार्क करके लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने निफ्टी 50 को ओपन किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जो हम लोग ने वन डे टाइम फ्रेम पर लेवल मार्क किया था जो हाई पॉइंट और लो पॉइंट, तो यहाँ पर देखिए जो हाई पॉइंट मारा था हम लोग ने 17200 का लेवल था, वो 17189 का लेवल था। वहाँ से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया नीचे की तरह। तो हम लोग को इंट्राडे के लिए जो मंडे के लिए कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे तो यहाँ पर हम लोग वो मार्क करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो इम्पोर्टेंट जोन है वो मार्क करके लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो हम लोग ब्लू बॉक्स, जो ब्लू कलर का बॉक्स मार्क कर रहे, ये वाला जोन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब 26 सितंबर था तभी मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट लिया था, ऊपर गया था जो हम लोग का रेजिस्टेंस है 17200 के आसपास। वहाँ से मार्केट नीचे आया, वापस उसको रिस्पेक्ट किया, वापस फेक ब्रेकआउट देकर वापस ऊपर की तरफ मुंह दिया हम लोग को। उसके बाद डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होके वापस उसको जो हम लोग का सपोर्ट था वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया।
तो वहाँ से देखिए मार्केट जो 17,000 का लेवल है इम्पोर्टेंट, वहाँ से मार्केट नीचे आया वापस। जो हम लोग का 29 सितंबर का जो डे था, मार्केट गैप ओपन होके वापस वो लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से डायरेक्टली नीचे फॉल दिया मार्केट ने। और जब भी फ्राइडे का सेक्शन था हम लोग का 29 सितंबर, उस टाइम मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ देखिए, जो पहले फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल है वो, और उसने जो लो बनाया है वो 16,750 का है। और उसके बाद उसने यहाँ से सपोर्ट लेके जो फर्स्ट हम लोग का रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर देखिए उसने डब्ल्यू पैटर्न भी बनाए स्मॉल। उसके बाद हम लोग की जो एंट्री एक्टिवेट होने वाली थी वो 16,894 के उधर थी, और जो हम लोग का पहला टारगेट था वो 17,000 था, उसने वो 17,000 लेवल को भी ब्रेक कर दिया। और जो डायरेक्टली नेक्स्ट टारगेट था हम लोग का जो 17,200, उसको टेस्ट कर दिया। तो अभी हम लोग इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, अभी मार्केट क्लोज है 17,100 पॉइंट, मतलब 17,100 पॉइंट के उधर क्लोजिंग है मार्केट। तो मार्केट मंडे को गैप डाउन ओपन होएगा 100-120 पॉइंट। तो जो लेवल है हम लोग का इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर मार्केट ओपन होएगा 17,000 नहीं तो 16,980 के आसपास ओपन होएगा मार्केट। मैं इसका कलर चेंज करके रखता हूँ, ऑरेंज करके है, इस जोन के आसपास मार्केट ओपन होएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मार्केट क्या बिहेव करता है, इनकेस यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया तो हम लोग बाई करेंगे, और जो हम लोग का 17,200 का जो फर्स्ट टारगेट है वो हम लोग हमारा टारगेट रखेंगे। और इनकेस उस 17,000 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो डायरेक्टली हम लोग को जो फ्राइडे का लो था वो वाला टारगेट मिल सकता है। तो हम लोग इसमें हम लोग का नोट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है वन डे टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर देखिए जो फ्राइडे के सेक्शन में था, यहाँ पर देखिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, तो उस टाइम जो मार्केट गैप डाउन ओपन होके जो उसका लो पॉइंट था वो 37,600 का लो था, उसके भी नीचे था लो पॉइंट 37,386 था, और जो हम लोग का हाई था वो 38,800 है। तो बहुत बड़ी बिग मूव मिली थी हम लोग को उस दिन, जो फ्राइडे के लास्ट डे था तभी। तो अभी हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट लेवल देखेंगे, अभी कल जो मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है, तो ये भी 300-400 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन होएगा। तो हम लोग देखेंगे इंट्राडे लेवल पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर हम लोग 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो ओपन करते हैं, और वहाँ पर कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ने 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो ओपन किया है, और जो हम लोग के लेवल थे जो वन डे टाइम फ्रेम पर, जो नीचे वाला 37,600 वो लो पॉइंट है, और ये 30,800 हायर पॉइंट है जो फ्राइडे के सेक्शन का लो और हाई है। तो अभी हम लोग इसमें ट्रेडिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट जोन कौन सा बन रहा है इसमें। तो हम लोग इसमें बॉक्स मार्क करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जोन हम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होएगा 300-400 पॉइंट। तो अभी फिलहाल मार्केट है, करंट प्राइस है 38,700, तो 300-400 पॉइंट मतलब 38,300 के आसपास मार्केट ओपन होएगा, 250 के आसपास ओपन होएगा मार्केट। इसको हम लोग जो कलर है उसका वो चेंज करते हैं, तो इजीली 38,300 या 250 के आसपास मार्केट ओपन होएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मार्केट कैसा बिहेव करता है, इनकेस उस लेवल को मार्केट ने सपोर्ट किया तो हम लोग का जो पहला टारगेट रहेगा, मतलब मार्केट जो गैप क्रिएट किया है वो फिल कर देगा और 38,800 के लेवल टच कर सकता है। और इन केस मार्केट ने जो 38,250 के लेवल को सस्टेन नहीं किया और नीचे की तरफ मुंह मिला, तो हम लोग का पहला टारगेट रहेगा
37,940। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो हम लोग का है, ये देखिए जो ये इम्पोर्टेंट लेवल है, इधर 38,900 के। और उसके बाद जो 37,600 के लेवल है जो लो पॉइंट था वो मिल सकते, इनके उसको भी ब्रेक कर दिया और बिग सेलिंग हो गई तो हम लोग को 36,900 के लेवल भी दिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक अपना जो नोट है इम्पोर्टेंट लेवल का वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने जो हमारा नोट है वो ऐड किया है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी हम लोग इंट्राडे स्टॉक देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने सन फार्मा को ओपन किया है वन डे टाइम फ्रेम पर। जो हम लोग ने जो ट्रेंड लाइन मारी हुई है चैनल टाइप वो देखिए लास्ट 22 मार्च 2021 से जो ट्रेंड लाइन मारी हुई है उसको मार्केट ने फॉलो करके हुए एक चैनल की रेंज में ही है। तो अभी मार्केट वापस जो चैनल की रेंज है उसके अंदर आ रहा है। तो अभी हम लोग इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, इनके जो अभी यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ हम लोग ने एक ब्लू ब्लॉक्स मार के रखा है, तो ये वाला जो बॉक्स उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग देगी, मतलब वो रेंज है। हम लोग इसमें एंट्री कभी करेंगे 950 रेंज को मार्केट ने सस्टेन किया तो हम लोग इसमें स्विंग जा सकते हैं। और जो हम लोग का टारगेट रहेगा फर्स्ट वो रहेगा 1,000 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद 1,040 रुपीज़ का हम लोग को टारगेट मिल सकता है एक स्विंग ट्रेडिंग में। लेकिन हम लोग को इंट्राडे के लिए हम लोग भी देखेंगे क्या क्या लेवल इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग ने जो ऊपर की तरफ जो मार्किंग किया है 1,000 रुपीज़ और 1,040 का वो हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग का लेवल है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह बनाया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग एक देखिए ये हेड बनाया है मार्केट ने, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, और जो ऊपर का जो ब्लू बॉक्स मारा हुआ है वो नीक लाइन है उसकी। तो ये ब्रेक होगी और सस्टेन होगी तो हम लोग को बहुत बड़ा बिग मूव मिल सकता है इसमें। तो हम लोग इसमें वॉच करेंगे और एक दो दिन में इसमें मूव मिलेगा तो हम लोग एंट्री करके हम लोग को जो टारगेट है वो ले सकते हैं। तो अभी हम लोग इंट्राडे के लिए कल देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी हम लोग इसके इंट्राडे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ओपन करके क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ने 15 मिनट पर ओपन किया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने एक डब्लू टाइप पैटर्न बनाया है। तो इसमें हम लोग इंट्राडे कैसे करेंगे, मार्केट ने जो 950 का लेवल बताया है उसके ऊपर क्लोजिंग देगा मार्केट, तो हम लोग इसमें ऊपर की तरफ बाय करेंगे और सेल कभी करेंगे जो अभी डब्ल्यू का नीचे का पैटर्न है 930 का वो ब्रेक होगा तभी हम लोग इसमें सेल करेंगे और हम लोग का जो टारगेट रहेगा वो बुक करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है हम लोग इसमें मार्क करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है वो मार्क किए है, बाई करेंगे 950 के ऊपर टारगेट रहेगा 955 और 965, और सेल करेंगे 930 के नीचे और टारगेट 910, और जो पीवट लेवल रहेंगे वो हम लोग का टारगेट रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 920 200 मूविंग का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है तो वहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तभी उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ने ग्रेन्यूल्स को ओपन किया है वन डे टाइम फ्रेम पर। ये देखिए इसने जो लास्ट सेक्शन था हम लोग का फ्राइडे का उसने जो इम्पोर्टेंट लेवल था उसका 330 का उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ बिग मूव दिया है। तो इसमें हम लोग कल इंट्राडे करेंगे तो ओनली फॉर बाइंग करेंगे इसमें, क्योंकि
एक इतना वॉल्यूम भी देखिए कितना बहुत बड़ा वॉल्यूम भी इसमें आया है, क्योंकि ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट मिला है, तो ये हम लोग को एक बिग टारगेट मिल सकता है इसमें। तो अभी हम लोग इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इंट्राडे भी कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए हम लोग ओनली फॉर बाइंग का चांस देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इसको हम लोग स्विंग लेंगे और दो तीन दिन में हम लोग का जो टारगेट है, मतलब इसमें हम लोग बाइंग का भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट लेवल है 350 का, इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। और फर्स्ट टारगेट रहेगा हम लोग का 360 और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टारगेट है हम लोग 1 day टाइम फ्रेम पर, और देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है। तो उसके बाद हम लोग को डायरेक्टली 390 का भी टारगेट अचीव हो सकता है इसमें। तो हम लोग कल इसमें ओनली फॉर बाइंग देखेंगे इंट्राडे और स्विंग भी करेंगे इसमें। तो हम लोग का जो नोट्स है वो ऐड करते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट लेवल है वो। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये स्विंग का है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। टाटा पावर को ओपन किया हम लोग ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, इसमें 1 day टाइम फ्रेम पर हम लोग चेक करते हैं क्या सिचुएशन है इसका। तो यहाँ पर देखिए मार्केट जो है ब्लू लाइन मारी हुई है वो 200 मूविंग एवरेज है, इसके नीचे मार्केट कभी सस्टेन नहीं हुआ है। देखिए 20 जून 2020 को मार्केट नीचे गया था, देखिए कैंडल कितनी बड़ी है रेड कलर की, तभी भी मार्केट वहाँ से ऊपर आ गया और जो अपना लेवल को सस्टेन किया जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, वापस अभी भी मार्केट यहाँ नीचे ही है। तो हम लोग इसमें इन्वेस्ट करने का मौका देख सकते हैं कौन सा लेवल है। तो हम लोग इसमें स्विंग करेंगे तो कभी करेंगे जो 220 का लेवल है इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे और इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें टाटा पावर, क्योंकि टाटा पावर एक अच्छा स्टॉक है। तो इसमें हम लोग बाइंग का रेंज मिल गया अभी हम लोग का फिलहाल, तो हम लोग इसमें बाय कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी पे, एक ही बार पूरा अमाउंट नहीं डालने का अपना, 10% करके इन्वेस्ट करने का है। बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी यूज़ करके हम लोग इसमें हम अपना पोजीशन बना सकते हैं। और जो हम लोग का अभी इनकेस इसने 220 का लेवल ब्रेक किया तो हम लोग को कुछ वीक में इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा डायरेक्टली 250 का टारगेट हम लोग का अचीव हो सकता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या कंडीशन होता है, और इसके बाद हम लोग जो इंट्राडे के लिए अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम है उसमें हम लोग इसके लेवल मार्क करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी ओपन किया है। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें हम लोग बाय करेंगे 217 के ऊपर बाय करेंगे और सेल करेंगे हम लोग 215 के नीचे, और जो टारगेट रहेगा वो प्योर लेवल रखेंगे, नहीं तो हम लोग इसमें देखिए हम लोग ने मार्क किया है वो भी हम लोग नोट में ऐड करता हूँ अभी, 220 का फर्स्ट टारगेट रहेगा बाइंग की साइड, और नीचे की तरफ हम लोग का टारगेट रहेगा फर्स्ट 211 का 212 का रहेगा, 212 का टारगेट रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक नोट ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।